आला रे आला छोटू आला, आला रे आला छोटू आला, सबका चहिता वर्दी वाला छोटू दादा पुलिस वाला, छोटू पुलिस के दादा मेरी शादी हो रही बजाना। अबे क्या बजाना, नाचने वाला दिख रहा है तेरे को? अरे बाप रे बाप, मेरी शादी की बारात में पुलिस की गाड़ी आ गई। अबे साले लॉकडाउन के कर्फ्यू में भी बारात निकाल रहे। तुझको रखे राम, तुझको अल्लाह रखे, देता तके नाम तुझको अल्लाह रखे, तुझको रखे राम, तुझको अल्लाह रखे। अबे बेचारा अपंग दिख रहा रे, लॉकडाउन में भीख मांग रहा। अरे साहेब अपंग नहीं है वो, अरे पहचानता इसको मैं, शादी में ढोल बजाता ये। ऐसा मतलब लॉकडाउन में कानून का उल्लंघन, रुक रे डाल रहे इसको अंदर। एक मिनट साहब, मेरी बात सुनो। ओके। दरअसल तुम्हारे हवलदार ने जो बोले ना, बिल्कुल सही बोले। भाग गया साहब। क्या कर रहा तू? कुछ नहीं साहब, गटर साफ कर रहा था। हाँ, आज कल गटर साफ करने वाले को दूल्हे का यूनिफॉर्म दे दिए बे। अबे अच्छा हो गया तू आ गया गटर साफ करने, वा ये 6 महीने से गटर साफ नहीं हुई थी। चल पूरी गटर साफ कर, आगे भी चल पूरी साफ करने की, वो उधर भी साफ कर, करते जा। साहब हो गई पूरी गटर साफ, हो गई ना पूरी गटर साफ। चल अब जरा साइड में आ तू, बहुत मेहनत कर गई है ना वहाँ। फिर किधर जा रही थी तेरी बारात? इधर जा रही थी। तूने इतनी बड़ी गटर साफ कर लिया तो हमारा भी हाथ साफ करने का हक बनता ना वहाँ। रोक रे इसको, टोक रे। लॉकडाउन में शादी कर रहा था। अबे जानते हो उसकी शादी की वजह से अपनी एक गटर साफ हो गई ना। सही बोले हैं साहब, चलो लेट्स गो। अबे बेटा बहुत जल्दी, बहुत जल्दी वाह बेटा। रुक ए रुक रुक स्टॉप। अरे बगैर मास्क के कहां घूम रहे, कहां है तुम्हारा मास्क? अरे साहब मास्क ही लाने जा रहे हम दुकान पे। रुक रे, नया मास्क लाने जा रहे, इनको स्वागत करके भेजो इनको मास्क लाने। ओके मारो। पहले माटी मिले। अबे दादा मैंने सुना कि लोग बोल रहे चाइना में कोरोना की तीसरी लहर भी आ गई। हाँ ना यार, समझ में नहीं आ रहा ये चाइना वाले ने कोरोना वायरस बनाया या एविल डेड पिक्चर की सीरीज। दादा आगे पुलिस तो नहीं होंगी ना रे? अरे है क्या डरता रे पुलिस से तू? क्या करेगी पुलिस? क्या हुआ दादा? क्या हुआ? वो आगे पुलिस है क्या रे? हाँ है, वो उनका काम बराबर कर रहे, तुम जाओ। दादा बहुत बुरा बुरा मार रहे इसको पुलिस वालों ने। तू टेंशन मत ले रे, पुलिस वाले अगर अपने को पकड़ेंगे ना तो अपन झूठ बोल देंगे कि 14 दिन क्वारंटाइन में थे हम, अब भी आ रहे। चल अपने को कोई बीमारी थोड़ी है, अपना टेस्ट हुआ है। कहाँ फिर रहे बिगर मास्क के? अरे ओ साहब 14 दिन से हम क्वारंटाइन में ही थे, बस अब भी चले आ रहे। हमको कुछ नहीं है, निगेटिव है हम। ऐसा मतलब क्वारंटाइन में से आए तो मास्क भी लगाने का ना? डॉक्टर साहब। हाँ साहब बोलो। फिर से चेक करो इनको। रोक रोक रोक, कहाँ घूम रहा लॉकडाउन पे? अरे साहब किराना लाने गए तो दुकान पे। डॉक्टर साहब इसको भी चेक करो। चल
बैठ जा। ओह माय गॉड। बैठ। अरे साहब मैं किराना लाने गया तो मेरे को भी बिठा दिया तुमने। खामोश बैठ। अरे ओ साहब अच्छी अंदर है तुम्हारी तो, लोग किराना भी लाने जा रहे तो बैठा दे रहे तुम उनको। क्या किराना किराना लगा रहे गुच्छू बैठ जा रहा। अरे तुम्हारे को यकीन नहीं आता तो ये देखो किराना। ये देखो लाल मिर्ची लाने गया था साहब मैं। बहुत ज्यादा सबूत मत दे। ओह नो। ओ डॉक्टर साहब इसको पहले चेक करो। ओके। अरे डॉक्टर साहब अभी तुम ये नाक में डालेंगे मेरे को छींक आ जाएंगी, फिर तुम मेरे को उठा के अस्पताल में डाल देंगे। अबे ज्यादा फड़फड़ मत कर, चेक करो डॉक्टर साहब। ओके। ये देखो साहब मिर्ची पाउडर से इनको भी छींक आ गई। ऐसा उछारा जो बातें कर रहा, ये डालो ना इनको भी एम्बुलेंस में। ओके। अंदर लेके चलो डालो साले को। आजा मेरी गाड़ी में बैठ जा, मेरी गाड़ी में बैठ जा। मजा आया ना अंदर। अरे साहब कौन था वो अंदर और किसके बीच में डाल दिया था तुमने हमारे को? अबे बेटा जो अंदर है ना वो कोरोना का पेशेंट है। अरे हमको लगा कोई भूत है वो। रोक ले डाल रहे उनको कोरोना पेशेंट के साथ और लेके जाओ हॉस्पिटल। की वो साहब? क्योंकि 14 दिन के वास्ते तुम लोग फिर से क्वारंटाइन लेके जा रहे इनको। अरे नहीं ना साहब छोड़ दो साहब छोड़ दो। अंदर करोने का पेशेंट है ना। साहब सही में कोरोना पेशेंट था क्या एम्बुलेंस में? अबे वो कोरोना का पेशेंट थोड़ी था। अबे वो तो बिगर मास्क को आने को डराने के वास्ते बनाया था मैंने। अबे वो तो एम्बुलेंस का वार्ड बॉय था। अरे पुलिस वालों को अड़ा बना रहे। अरे साहब अपन लोगों के साथ ऐसा मत करा करो। अबे जंदे रे कोई लाइक के हो पर तू इतना क्यों डर रहा? अरे साहब मैंने सुना पुलिस वालों की चौकसी के वास्ते ऊपर से ऑफिसर अपॉइंट करे ले। क्यों रे? अरे आप उन पुलिस वाले सही काम कर रहे के नहीं ये देखने के वास्ते। अबे छोड़ रहे अपन कुछ गलत काम नहीं करते, अपनी अपनी ड्यूटी कर चल। ओके। भाई अपन कर्फ्यू में ऐसा घूम रहे अगर पुलिस वाले ने रोका तो? अरे जा बे पुलिस अपन को देख के रास्ता बदल देती है, भाई के होते हुए काय को डरने का। अरे मेरी। अरे कन बड़े बड़े बातें कर रहे थे अब चलो पुलिस के सामने से। अरे नहीं रे बाबा मैं मजाक कर रहा था रे बाबा, पुलिस के सामने से चलो। अरे नहीं नहीं मैं मजाक कर रहा था बाबा। अरे चलो बहुत बड़े बड़े बातें कर रहे थे ना। अरे चलो। अरे नहीं 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 अरे मैं मजाक कर रहा था भाई। अरे ये कर्फ्यू में बिगड़ मास्क का कहाँ फिर रहे तुम लोग? नहीं नहीं कहीं नहीं साहब ऐसी चीज रखते हैं निकले थे साहब। क्या हो तुम तो अगन बड़े बड़े बातें कर रहे थे। बोलो पुलिस से नहीं डरता। पुलिस अपने को कहीं नहीं लगती। बोले पुलिस अपने को देख के रास्ता बदल देती। तो तुम पुलिस से नहीं डरते और तुमको देख के पुलिस रास्ता बदल देती? नहीं। अब मैं तुमको रास्ता बताता। रुको रोक रहे इनको ठोक रहे। साहेब डंडे पे तरस आ रहा है। ये सांड को मारते मारते कहीं मेरा डंडा टूट गया तो? अबे डंडे के मयालू ठीक है फिर डाल इसको गाड़ी में और लेके चल सेक्शन में। ओके ठीक है साहब लेट्स गो। वो साहब घुसे नहीं रहा अंदर बहुत ज्यादा हो। अबे घुसा ना जाएगा ना अंदर। अबे काला नहीं गाय गया रे क्या कर लगाओ? वो साहब गए अंदर। अबे उधर से बाहर निकल गया वो। अरे साहब वो गाड़ी में नहीं आ रहा ना। एक काम करो उसको गाड़ी के ऊपर डालो। ठीक है साहब।
आ गया साहब, आ गया, आ गया ना, चलो आप सेक्शन में लेके चलो। ओके। साहब ये अचानक भूकंप कैसे क्या आ गया था? बुलाओ रे उसको पकड़ के। अरे तो साला गाड़ी के पीछे लटक गया था, पूरी गाड़ी उचक गई थी। डालो अपनी गाड़ी में। अरे डालो अपनी गाड़ी में साहब, अपनी गाड़ी में इसको अपने सेक्शन तक लेके जाना। इम्पॉसिबल साहब। अरे मेरे बाप रे, अब क्या करते? अबे रुक रे। हाँ साहब। देखिए वाटर का यही सेक्शन दिख रहा, इसको यही जमा करा देते। हाँ साहब सही बोले तुमने, यही जमा करा देते इसको। भाई चलो, मैं मेरा चले जाऊंगा सेक्शन में। कयाम साहब। ओके। अबे क्या साहब? इधर आ रे, इधर आ। आ क्या? क्या तूने ये छोटे भामटे को क्यों जलाम करा रे? अरे चोर भामटे दिख रहे क्या? ये हमारे साहब है। ये साहब है? काहे का साहब है तू? गवर्नमेंट ने मुझे यहाँ अपॉइंट किया है और मैं इस इलाके का चेकिंग इंचार्ज हूँ। दोस्तों ये वीडियो सिर्फ हमने आपके मनोरंजन के लिए बनाया है। और हाँ दोस्तों, कोरोना की तीसरी लहर ने दस्तक दे चुकी है, तो दोस्तों अपनी अपनी सेफ्टी से रहे और अपने बच्चों का ख्याल रखे। और हाँ दोस्तों, अगर आपको छोटू दादा पुलिस वैन वाला पार्ट टू अच्छा लगा तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, अपने तमाम दोस्तों को शेयर कीजिए और हमारे चैनल जेके एंटरटेनमेंट को सब्सक्राइब कीजिए। ओके।